हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली NCR की धरती डेढ़ महीनों में करीब 10 से ज्यादा बार कांपी है। क्या यह किसी बड़ी तबाही की आहट है? IIT कानपुर की रिसर्च इसे किसी बड़े खतरे की आशंका बता रही है। इस रिसर्च की माने तो दिल्ली से लेकर पटना तक 7.0 से 8.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप तबाही ला सकता है। NCR क्षेत्र में लगातार सेस्मिक एक्टिविटीज हो रही है और इसका रेंज करीब 400 किलोमीटर तक का हो सकता है। दिल्ली वैसे भी भूकंपीय जोन में आती है, जहां भूकंप के झटके आने की संभावना लगातार बनी रहती है, और दिल्ली के ज्यादातर बिल्डरों ने भारतीय मानक ब्यूरो के सही मानकों का पालन बिल्डिंग बनाते समय नहीं किया है। अगर रिएक्टर 6 की तीव्रता पर भूकंप आया तो राजधानी की कई इमारतें जमींदोज हो जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक जहां फॉल्ट लाइन होती है वहीं पर भूकंप का एपिसेंटर बनता है। फॉल्ट एक तरह के भूगर्भीय दरार होते हैं जहां से होकर भूकंपीय तरंगे गुजरती है। ऐसे फॉल्ट सिस्टम की वजह से 6 से 6.5 रिएक्टर स्केल की तीव्रता का भूकंप आने की आशंका बनी रहती है और यमुना के आसपास के इलाकों में यह खतरा सबसे ज्यादा है। दिल्ली बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो यहां कम मैग्नीट्यूड के 200 से 300 भूकंप के झटके अब तक दर्ज किए गए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि दिल्ली हिमालय के निकट है, इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। 1.5 करोड़ से अधिक आबादी वाले NCR की इमारतें दशकों पुरानी है। भूगर्भ शास्त्रियों की माने तो किसी भी बड़े भूकंप की रेंज 250 से 300 किलोमीटर के बीच होती है। 2001 में गुजरात के भुज में आए भूकंप ने करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित अहमदाबाद में भी बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। सो दिल्ली NCR में लगातार आने वाले झटकों से लोग डर की वजह से अब सोशल मीडिया पर इमरजेंसी किट बनाने की सलाह दे रहे हैं। आपको बता दें कि जब 1960 में दिल्ली में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था तो लाल किला और राष्ट्रपति भवन को भी नुकसान पहुंचा था। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।